घर में अच्छा बाप बनना या ऑफिस में अच्छा टीम लीडर बनना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि घर में बाप को बच्चों को साथ लेके चलना पड़ता है और उनका विश्वास जीतना पड़ता है, और कुछ ऐसा ही टीम लीडर को भी करना पड़ता है। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको अच्छा बाप बनने का या फिर अच्छा टीम लीडर बनने का एक टिप देता हूं। अगर आपके घर में आपका कोई बच्चा या फिर आपके ऑफिस में आपका कोई टीम मेंबर आपसे कुछ ऐसी बात शेयर करे या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करे जो कि आपको पहले से पता है, तो आपको उसे ये नहीं कहना कि आई नो दैट या फिर मुझे पहले से ही पता है। आपको उसे ये कहना है कि दैट यू आर राइट, तुम सही हो। ऐसा करने से उसका मोराल बूस्ट होगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसका आप में विश्वास भी बढ़ेगा, क्योंकि आप उसे अप्रिशिएट कर रहे हो। गाइज, ये इंटरेस्टिंग टिप आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइज, आज तक हमने जासूस और जासूसी की कहानियां तो बहुत सुनी है। देखिए, फिल्मों की बात अलग है, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या आपने रियल लाइफ में कोई फीमेल डिटेक्टिव का नाम सुना है या फिर उसे देखा है? चलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडिया की पहली फीमेल डिटेक्टिव के बारे में बताता हूं। उनका नाम है रजनी पंडित। मुंबई की रहने वाली ये फीमेल डिटेक्टिव अभी तक 80,000 से ज्यादा केसेस को सोल्व कर चुकी हैं। उन्हें बचपन से ही स्पाई नोवेल पढ़ने का बड़ा शौक था, इसलिए वो डिटेक्टिव बनना चाहती थी, लेकिन हर बार उन्हें ये कहा जाता था कि ये जॉब महिलाओं के लिए नहीं है। लेकिन उनकी माँ का उन्हें बहुत सपोर्ट था, इसी वजह से उन्होंने केसेस लेना शुरू किया, उन्हें सोल्व करना शुरू किया, और देखते ही देखते 1991 में उन्होंने अपना डिटेक्टिव ऑफिस मुंबई में खोल लिया। गाइज, उन्हें इंडियाज फर्स्ट लेडी डिटेक्टिव का भी खिताब मिल चुका है। आपको रजनी पंडित के बारे में जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा।